आप देख रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। क्या करोगे? क्या करोगे? अभी कहाँ कहाँ गए थे आप लोग आवेदन लेके? हम लोग कलेक्टर के पास चले गए हैं, आयुक्त के पास भी चले गए हैं, महापौर के पास चले गए हैं, सबके पास चले गए हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या करोगे? बहुत सारा नुकसान हो गया। ये कौन बना है? कौन डाले? ये कोई सेठ है या बिल्डर है, वो नाम तो पता नहीं है। हाँ, है ना, लेकिन हाँ, सेठ से खरीदे है जमीन ला। वो प्राइवेट है, ये प्राइवेट डाले अपन। हाँ, अपन डाले। ये सरकारी जमीन है, सामने है। सरकारी जमीन, ये सामने सरकारी जमीन है। पुलिया डाल के जब पटाव करना चाहिए था। पुलिया डाल के पटाव करना चाहिए। हमारा लोग फायदा हो जाए, पुल डाल के कहीं का आ जाए। यहाँ का है पुल निकल तो तुम्हारा फसल पूरा चौपट कर दिया। चौपट पानी चला गया। ये 12 महीना की समस्या है। नाला बनना चाहिए। हाँ, नाला बनना चाहिए। तुम्हारे रोड के पास आ रही है भैया। तो आप पानी में देख सकते हैं सबकी फसल और आखिरी बर्बाद हो चुका है। किसानों का ये कहना है। सरकार दी ही जो भी करी थी करी। तो पानी नाला रोते मांग करता बनाबे नहीं करे। और अभी जैसे अभी पानी जो गिरी से ओमे ना पूरा लाकड़ी गेहूँ पूरा धान पूरा नुकसान हो गए। हम आयुक्त कर गए रहे, महापौर कर भी गए रहे। अगर वो तुरंत अगर खुदाई हो जाती तुरंत नाला बना देती तो काहे अतेक नुकसान नहीं हो रही। अमन गाय गरु मारे भी परेशान हैं एकदम। ऐसे एक फसल अभी नहीं लू सकत, इतना परेशान हो गए ना मन। हाँ, ये है बाईपास में है, मतलब लखोली वार्ड नंबर गोविंद नगर है। वो का है सेठ मन पार्ट पार दे है, तो सेठ मन पाइप लगाए नहीं है इसलिए पार दे है। वो का है वो पानी पूरा मतलब खार में पूरा जावत खेत खार में, तो वो कारण से मन ना सब जगह मतलब घूम गए। वो बेखद भी आए हमारे कोई सुनाई ची नहीं हो है। अभी फिर आहन यह कलेक्ट्रेट कलेक्टर खोली वार्ड नंबर 35 से आहन है ना, और वहाँ पे बाईपास के निर्माण हुए हैं। बाईपास के निर्माण के चलते का है लगभग 150-200 जमीन वैसे भी पहले बर्बाद हो चुके हैं। और वो बाईपास के किनारे से कहा होते शहर के जो जितना भी गंदा पानी है वो बाईपास के दोनों साइड से निकलते हैं। लेकिन कहा होते बाईपास बने के बाद अवैध प्लाटिंग मतलब कहना चाहिए बिल्डर है या कोई सेठ है वो जमीन ला खरीद खरीद के अपन पटाव कर जाते। पटाव कर माने ये ध्यान नहीं देते कि हम लोग पानी निकासी का रास्ता बनाना है ना। तो अगर मान लो वो पानी निकासी के लिए पाइप या पुल बना दी है तो आज जो किसान जो परेशान होते जो पानी ब्लॉक होकर जो खेत में घुसते थे वो मतलब खराबी नहीं होती। और अभी कहा है ये जो ब्लॉकेज की वजह से पानी भी गिर गया, शहर के गंदा पानी भी दोनों पानी ज़्यादा हो गए, तो पूरा खेत में जाके गेहूँ लाकड़ी सरसों है यहाँ तक कि जो धान के जो थरहा डली थी उसमें पूरा नुकसान है।
एकर लिए हमन आयुक्त महोदय और महापौर महोदय के पास हमन निवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे के लगभग 10-12 दिन हो गए, आज तक के कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। अपर कलेक्टर महोदय के पास भी आ रहे हैं लेकिन वो दिन उपलब्ध नहीं दी 24 तारीख के, तो आज हम फिर ये पूरा टीम के साथ आए, यही हमारे जो समस्या रहा सुने जाए और निवेदन है खास करके नाला बनाया जाए। लेकिन नाला जब बनी तब बनी, नाला बने के पहले फिर हाल अभी टेम्परेरी व्यवस्था जो ब्लॉक करे व्यापारी बिल्डर उला खुलवा के पानी निकासी।